हेलो गाइज, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू माई चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं मॉडर्न स्ट्राइकलाइन। जैसे कि आप लोग याद होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने चैलेंज कंप्लीट किया था, अपना सब्सक्राइबर की तरफ से दिया हुआ चैलेंज था। लेकिन मेन वीडियो हम लोग ने फोकस किया था क्या, VIP परचेस किया था हम लोग ने, जो कि अनएक्टिव हो चुका है, नॉट एक्टिव है अभी। ठीक है, तो मैं अभी गोल्ड गन खर्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ लेना है जो कि एक मैच खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगा। तो वो क्या है, मैं एक मैच पहले खेलूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टास्क दिखा देता हूँ आपको मैच शुरू होने से पहले। यहाँ पे असिस्ट 10 प्लेयर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अर्न 2500 एक्सपीरियंस और असिस्ट 50 प्लेयर। यहाँ पे देखिए, अगर असिस्ट 50 प्लेयर का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा खर्चा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन गोल्ड का नहीं, उसी हिसाब से मिलेगा और VIP में परचेस करूँगा। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मैं करने वाला हूँ आज के वीडियो में, वो सरप्राइज़ है एक। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड के बाद पता, मतलब फर्स्ट गेम प्ले के बाद पता चलेगा। ठीक है, वैसे अपना पहला मैच शुरू करने से पहले मैं वो सरप्राइज़ बता ही देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपना वो भी तो चाहिए, VIP वाला। हाँ, ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये परचेज करना है हम लोग गैजेट आज। ठीक है, 2000 कॉइन, तो 10,000 कॉइन तो मुश्किल है सीजन के एंड तक, क्योंकि बीच बीच में ऐसा देखिए VIP ला दिया तो कुछ कह नहीं जाता, क्योंकि मैं परचेज करता रहूँगा। VIP तो पसंद है मुझे, VIP। ठीक है, गैजेट्स में से जाके अब हम लोग ये लेने वाले हैं, क्योंकि इससे सिर्फ डैमेज रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे फायर रेट देखिए 753, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग ये गैजेट परचेज कर रहे हैं और 800 अब बचा है। ठीक है, तो ये तो परचेज कर सकते थे, इससे हम लोग का डैमेज बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। फायर रेट पर कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन डैमेज बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो ये अब बस दो चीज़ लगाना बाकी है, ये एक जो कि है अपना डॉट LSR जो भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो और फिर इसको MOV देना है और। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, अब यहाँ पे VIP पास अपना एक्टिव कर लेते हैं 750 का। ठीक है, ये एक्टिव कर लिया, 97 कॉइन बचा है। और अब अपना मैच शुरू करेंगे, टीम डेथ मैच। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। और हाँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था कि आपको कितने मैच चाहिए। मैं एक बार लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ फिर से, क्योंकि पिछले बार जब मैंने पूछा था ना, तो आपने बोला था बहुत लोगों ने कि दो, और किसी ने बोला दो या फिर किसी ने बोला तीन। तो इस बार पूरा फाइनल करके कि कितना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि वो हिसाब से मैं बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाता है। पिछला वाला वीडियो का लेंथ शायद 30 मिनट का था, और मुझे उतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, क्योंकि लोग उतना देर तक देखते नहीं है पूरा वीडियो को एंड तक। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ दो मैच रखूँ एक एपिसोड में। ठीक है, एक सेकेंड, फाइट चल रहा है पहले से बहुत मज़ेदार। ये अपना एक स्कोप लग गया यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। एक सेकेंड, ये फायर रेट बढ़ चुका है, तो अब मज़ा आ रहा है चलाने में भी। एक सेकेंड, बस MO बढ़ जाए ना यार, तो बड़ा मज़ा आ जाए इसको चलाने में फिर तो, मतलब फेवरेट गन हो जाए फिर तो। बस MO के चक्कर में फेवरेट गन बस होते होते रह रहा है ये, क्योंकि MO यार MO से ही पूरा खेल है। अगर आप एक प्लेयर को मारने के लिए भी 30 गोली से कभी कभी ज़्यादा चाहिए होता है एक प्लेयर को मारने से। ठीक है, तो उतना में तो रीलोड ही कर, अगर स्मार्ट स्विच इसमें नहीं रहता तो रीलोड करते करते ही हम मर जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट स्विच इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है यार, मैं तो कहूँगा। अगर जो इन्होंने अभी तक एक्टिव नहीं किया, तो मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में दिखा रखा है कि एक्टिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने देखा तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्विच यार जो ऑन कर लिया ना, उसका फिर खेल में बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्मार्ट स्विच में ना, अगर दूसरा गन ना, आप स्नाइपर मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्विच में स्नाइपर रखेंगे दूसरी तरफ, तो कैसे आप कर पाएंगे? क्योंकि अगर तुरंत मारना है, और स्नाइपर आप कैसे तुरंत स्कोप लेके, फिर स्नाइपर चलने में भी 1 सेकेंड का टाइम लगता है पूरा। ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत दे देता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्मार्ट स्विच अगर आप ऑन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपना स्नाइपर हटा दीजिएगा। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, मैं एक जनरली बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, तो आप नहीं फिर हैंडल कर पाएंगे बहुत जल्दी। एक सेकेंड, यहाँ पे आगे चलते हैं। 13 यार, हारना नहीं हम लोग को, जीतना यार। अभी मैंने गैजेट लगाया, थोड़ा सा दिखाना तो चाहिए। चलो ये अच्छा असिस्ट हुआ। ठीक है, चलो असिस्ट भी चाहिए अभी हम लोग को। किल अभी कोई किल तीसरा क्या था यार मेरा, वो टास्क क्या करना था कंप्लीट, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। 50 असिस्ट और 10 असिस्ट का तो मुझे याद है, और एक और नहीं याद है क्या करना है। एक सेकेंड, ये क्या, ये यहीं पे स्पॉन हुआ अभी। ये उजी है इसके पास, तो भाई साहब एक सिंगल उजी भी आता है, वो बहुत ख़राब है। और ड्यूल उजी देखिए कितना बढ़िया है, डिफरेंस कितना है दोनों में, इतना खराब। एक तो सिंगल उजी जो आता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने यूज़ किया वो इसमें नहीं, सर्वर इस सर्वर में नहीं किया मैंने, दूसरा सर्वर में मैंने यूज़ किया उजी। ठीक है, बहुत ख़राब है यार, बहुत ख़राब है वो तो।
तो इसलिए एक सेकेंड ये। और सबसे पहले तो मैं मॉडर्न स्ट्राइक जब मैंने पहली पहली बार खेला था तो मैं गेस्ट के नाम से करता था लॉगिन, तो उसमें तब मैंने बहुत सारा गन परचेज किया था और फिर गलती से एक बार डिलीट हो गया, मेरे से सारा गन गया मेरा। बहुत सारा गन था मेरे पास, मतलब बहुत अच्छा अच्छा वेक्टर भी आ गया था मेरे पास, लेकिन फिर वो बहुत दिक्कत हो गई, मैंने लॉग इन करके नहीं रखा था वो चीज़। तो इसलिए लॉग इन आप करके रखिए, अगर आपको मॉडर्न स्ट्राइक पसंद है और आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल चुका है तो लॉग इन कर लीजिए गाइस, क्योंकि अगर गेस्ट रखेंगे ना बहुत दिक्कत हो जाता है, अगर गलती से भी अगर फ़ोन में कुछ हो गया या फिर अगर डिलीट भी हो गया गलती से तो आपका गेम तो बच जाना चाहिए, गेस्ट होगा तो गेम ही नहीं बचेगा और फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद, फिर शुरू से आपको पूरा करना पड़ेगा। ये गेस्ट में यही प्रॉब्लम होता है, गेस्ट में सिर्फ आपको एक ही चांस मिलता है। एक सेकेंड, ये यहाँ पर नहीं है कोई, पीछे से कोई, पीछे पीछे, अरे इसको मार दिया। एक सेकेंड यार, 5 किल आगे, क्या कर रहा है अपना टीम्स। मैं सबसे ऊपर हूँगा मुझे लगता है, हाँ कहा था ना मैंने, मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, और ये एक यहाँ पे आए, यहाँ पे ये गया। एक सेकेंड ये, तो मैं एक, चलिए वोट करते हैं हम लोग, ठीक है, वोटिंग एक रखते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो या फिर एक नॉर्मल गेम प्ले वीडियो, ठीक है। तो आज मैं कमेंट में लिखता हूँ इस वीडियो के नीचे, ठीक है, तो उसमें जाके वोट करिए, क्योंकि अभी पोल नहीं है मेरे पास, 500 सब्सक्राइबर के बाद ही पोल मिलता है, तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए ताकि हम लोग को भी मिल जाए पोस्ट और कमेंट और ये सब का भी। तो मैं डेली लाइफ से कुछ कुछ करते रहूँगा अपना, गेम खेलते खेलते आपको पोस्ट कर, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सीन होता है कि खेलते खेलते इतना, मैंने एक बार 48 किल किया था, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मैं, तो वो मैं क्लिक करके वो चीज़ फोटो मैं पोस्ट कर सकता हूँ आपको। तो 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये रहा, चलो ये गया, ये एक और किल हो गया, और उधर चलते हैं थोड़ा सा, बस मैच ख़त्म होने वाला है, वो लोग जीत गया, ठीक है। गाइस मेरी गलती इसमें नहीं है, देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने तो पूरा मेहनत किया अपना, तो ये लोग नहीं कर पाया, टीममेट्स हमारा। एक सेकेंड, एक किल करने से फिर ये लोग को, ये तो बस मैं स्पॉन हुआ वो ये लोग कर दिया, देखा गेम ख़त्म। तो गाइस मेरी गलती नहीं है इसमें, मैंने पूरा अपना मेहनत दिया, 26 शायद मैंने किल किया होगा, 26 या 22 किल हुआ होगा मेरा, और वो लोग का 10 से भी ऊपर नहीं गया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो एक सेकेंड, कौन से 24 किल किया हम लोग ने VIP में, देखिए एक्स्ट्रा 5 कीज मिला तो 15 हो गया, ये तो एक का गया 11 किल, ठीक है चलिए। और 2 मल्टी किल हुआ हम लोग का, तो ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ हो गया है ना। लॉबी में चलते हैं हम जल्दी से। एक सेकेंड, यहाँ पे लॉबी में चल के अपना फिर वो भी लेना है, क्या कहते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मैच ये ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये 250 क्रेडिट्स मिला, ऐड वाला भी ले लेते हैं। जब VIP रहता है तो आपको ऐड देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो खुद ही दे देता है ऐसे, और VIP वाला ले ही लेते हैं। 50 कीज मिला, 100 गोल्ड कॉइन, ये बहुत बढ़िया हुआ, चलो ठीक है। तो चलिए अपना अगला मैच शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं टास्क देख लेता हूँ क्या है, मैं भूल गया था यार। अर्न 2500 एक्सपीरियंस, ओके, मैं भूल गया था, सच में भूल गया था मैं। तो गाइस मैं तो आज का चैलेंज बताना ही भूल गया आपको, ठीक है। तो आज का चैलेंज है कि 30 किल करना है हम लोग को डेथ मैच में, ठीक है। तो ये हार्ड होने वाला है, हार्ड है ये चीज़, क्योंकि आप 30 किल आप टीम डेथ मैच से कर सकते हैं नॉर्मली, पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं नॉर्मल है ये सब, डेथ मैच में बहुत हार्ड है ये चीज़, क्योंकि डेथ मैच आपको हर तरफ से मार पड़ रहा होता है, टीम डेथ मैच में बस आपको एक तरफ से मार पड़ रहा होता है, आपको डेथ मैच में हर तरफ दोनों टीम से मार पड़ रहा होता है, अगर टीम डिवाइड कर दूं मैं तो दोनों टीम से मार पड़ रहा होता है, ठीक है। और ये हार्ड चैलेंज कुछ लोग के लिए लग रहा हो कि क्यों हार्ड है ये, तो 30 किल तो ऐसे ही हो जाता है, मैं कितना बार कर चुका हूँ 30 किल, तो वो होता है कभी कभी, 30 किल भी अगर आप करना चाहें तो 50 किल भी ईजी है, लेकिन वो होता है कि कभी कभी लक काम कर जाता है, कभी कभी स्किल्स कुछ हो जाता है, या फिर कभी कभी यही लोग बहुत नूव होते हैं ये लोग, तो मारने में ईजी हो जाता है, तो गन बहुत जल्दी मतलब यूज़ ज़्यादा नहीं गोली लगता, तुरंत मर जाते हैं ये लोग, तो ऐसा होता है, प्रो लोग होते हैं हम लोग उसमें, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये मारा असिस्ट हो गया, यहाँ पे ये गया एक, और फिर एक सेकेंड ये इधर से यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे तो नहीं है कोई, ये रहा वो रहा। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी लक भी काम कर जाता है। मैंने तो एक बार 40 किल किया डेथ मैच में, 48 तो मैंने टीम डेथ मैच में किया है, 48 किल, ठीक है। तो ये भी होता है, कभी कभी हो जाता है, चल जाता है कभी कभी लक, और गन का भी काम होता है कभी कभी, तो
ठीक है। तो इस गन का तो एमओ कम है, इसलिए मैं इस गन पर अभी थोड़ा बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एमओ अगर फुल हो गया ना 41 तो फिर अच्छा रहेगा इस गन के लिए, और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, देखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि रीलोड यार बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है इस गन को। रीलोड तो ऐसे में करता हूँ, लेकिन यार चांसेस कम पड़ जाता है ना, कि अगर मैं मार देखिए 11 गोली बचा था मारते मारते, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी मैं मार रहा हूँ और वो गोली ख़त्म हो गया और ये लोग मुझे मार दिया, तो ये भी चांसेस होता है बहुत बार, तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है ये चीज़। ठीक है, ये रहा, ये गया, यही मारा था अभी हम लोग को। एक सेकेंड, किल का ऑप्शन, किल आया नहीं है, अच्छा नोटिफिकेशन आ गया किल का, एक सेकेंड ये, और अरे यार बहुत हिलता है ये, एक सेकेंड ये गया और ये, ठीक है ये गया, अरे बस देखा जैसे बुलेट्स ख़त्म हो गया, अभी कैसे बुलेट ख़त्म हो गया, तो यही होता है बहुत बार, ये हो जाता है। कोई चैट में मैसेज लिखा भी, पता नहीं क्या लिखा है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये तो मैच चल रहा है अपने यार, पहली बार कोई चैट दिया है, क्योंकि खेलते वक्त कोई चैट देता नहीं जल्दी यार। एक सेकेंड यहाँ पे बोरा 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 बोरा, एक सेकेंड ये क्या स्टाइल से गिरे हम लोग नीचे, और यहाँ पे चैट देखते हैं क्या है, पता नहीं कोई और लैंग्वेज है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। एक सेकेंड, किसी को समझ में आ रहा तो वीडियो स्टॉप करके वहाँ पे फिर से देख सकते हैं, और मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज़ क्या है लिखा, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो चीज़। एक सेकेंड मैं फिर दिखा देता हमको, ठीक है ये कुछ सेकंड्स के लिए मैंने दिखाया, क्योंकि चैलेंज कंप्लीट करना है यार जल्दी जल्दी। गिरा, एक सेकंड, इसके पास कोई अच्छा गन है पक्का, फेवरेहम है, ओह शिट फेवरेहम था इसके पास। कितना किल किया हम लोगों ने, 8 किल किया यार, बहुत कम है अभी तो, चैलेंज शायद नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो मैं वही कह रहा हूँ कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होने का तो 40 किल आराम से हो सकता है इटली में मेरे से, 40 किल तो आराम से हो जाता है, 40 नहीं तो 35 किल तो आराम से हो जाता है मेरे से इटली में, लेकिन यही है ना बैंक और ये सब, अफगानिस्तान सबसे हार्ड होता है मेरे लिए डेथ मैच, उसमें शायद मेरा हाईएस्ट ही होगा कितना, अगर मैंने इधर खेला है तो जितना मुझे याद है 29 या 30 के लिए होगा हाईएस्ट ही मेरा अभी तक, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है यार अफगानिस्तान में। एक सेकेंड ये भी गया और हम लोग भी गए, फेवरेहम वो लोग को मारना ना अपने में ही अचीवमेंट है, ठीक है एक अचीवमेंट अपने में ही मान लीजिए कि फेवरेहम वो लोग को आपको मार दिए हैं तो अचीवमेंट आपने क्लेम कर लिया एक, क्योंकि फेवरेहम यार दो गोली मारते नहीं हम लोग मर जाते हैं। एक सेकेंड ये देख नहीं रहे, देखे ना बस ये गया, चलो इसका बुलेट लगा नहीं लगता है। एक सेकेंड यहाँ पे ये स्पॉन हुआ है तो ये भी गया, ये किल और एक सेकेंड वॉल्ट में कोई है, ये जो नीचे वाला है ना यहाँ पे ये वॉल्ट है, यहाँ पे कोई था अभी मैंने देखा, ये रहा मैंने कहा था ना मैप थोड़ा अच्छा किया मैंने यार, ऐसे थोड़ी ना कॉइन खर्च किया था मैंने इस पर। फिर से कोई चैट में लिख रहा है, मुझे पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज है भी या फिर कोई ऐसे ही कुछ भी लिख रहा है ये मुझे पता नहीं, लैंग्वेज है तो आई रिस्पेक्ट। एक सेकेंड यहाँ आ गया ये मारते मारते, एक सेकेंड ये गया, मुझे लगा था कि गोली ख़त्म हो रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। एक सेकेंड ये रीलोड करो जल्दी से, यहाँ पे ये, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड, ये गया चलो ये मारा, और यहाँ पे फिर ओह बॉम्ब लगा हुआ, ओह शिट बॉम्ब लगा हुआ यार, यहाँ से ये गया, कोई है नहीं इधर कहाँ, अरे यार मार दिया। और कितना किल किया हम लोगों ने, 15 किल किया है, मतलब अभी डबल करना है, जितना किया है उतना और करना है, तो ये तो नामुमकिन है अभी के लिए, क्योंकि सिर्फ एक मिनट बच रहा है गेम को और एक मिनट में नहीं हो पाएगा ये तो। एक सेकेंड, तो ये चैलेंज तो आज का कंप्लीट नहीं हो पाया, सॉरी उसे के लिए प्लीज़ को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। एक सेकेंड ये गया, ये एक सेकेंड ये गया, चलो हेडशॉट भी हो गया, हेडशॉट का वैसे आज कोई चैलेंज नहीं था कि हेडशॉट टास्क में था, तो वो तो मैंने ऐसे ही बस ऐसे ही बोल दिया मैंने हेडशॉट हो गया। शायद चैट में कोई कुछ लिख रहा है, अगर आपको पता है ना कि क्या लिख रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर बताइए कि क्या है ये चैट का। एक सेकेंड यहाँ पे किल हुआ, एक असिस्ट हुआ, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे असिस्ट वाला तो कंप्लीट मैंने कर ही दिया, ऐसे ही ऑफ वीडियो में कंप्लीट कर दिया मैंने तो। एक सेकेंड ये यहाँ पे और ये हो गया, ठीक है चलो। तो मेरे हिसाब से ना मुझे दो मैच रिकॉर्ड करना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्योंकि मॉडर्न स्ट्राइक का ना रिकॉर्ड करना, मैं अगर कहूँ माइनक्राफ्ट ज़्यादा ही हार्ड है ये मॉडर्न स्ट्राइक का इंस्टॉल मतलब रिकॉर्ड करना मॉडर्न स्ट्राइक को, क्योंकि यार इसमें मैं जैसे अभी आपको बताया कि मैं खेलता हूँ 5 मैच और रिकॉर्ड सिर्फ होता है उसमें से 2, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत आता है मॉडर्न स्ट्राइक में, इसलिए बहुत हार्ड होता है ये चीज़ रिकॉर्ड करना, और बीच में अगर रिकॉर्डिंग बंद हो गया गलती से तो मैच ही बंद हो जाता है पूरा ये,
तो ये दिक्कत होता है। तो आप बताइए कितना मैच चाहिए, लेकिन आप अगर बताएंगे तो मैं कर दूंगा उतना मैच, लेकिन मेरे हिसाब से 2 मैच रखना चाहिए अभी नॉर्मली। बाद में अगर बढ़ाने की जरूरत पड़े तो 3 मैच करेंगे हम लोग। 20 किल किया गाइस, 10 किल से बच गए हम लोग, नेक्स्ट टाइम हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एक चैलेंज मुझे अभी बताना है आपको, हाईएस्ट 22 गया अभी मैंने देख लिया, ठीक है। मैं मुझे एक आपको चैलेंज बताना है, ठीक है, क्या चैलेंज था। चैलेंज ये था कि आपको 3 डेथ मैच में टॉप 3rd मैन है, सबको लग रहा है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो आते रहता हूँ ये टॉप 3rd और फर्स्ट में भी आया हूँ मैं तो, ठीक है। तो और चैलेंज क्या है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। चैलेंज ये है कि आपको आना टॉप 3rd में, लेकिन बिना आर्मर के, बिना आर्मर के होने चाहिए आप टॉप 3rd में। ये चैलेंज बहुत हार्ड है और देख सकते की ही मिला है 50-50-50, तो मतलब 150 की तो ऐसे ही मिल गया हम लोग को, ठीक है। और ये कॉइन मिल जाएगा हम लोग को 10 कॉइन। ऐड देखने की अब जरूरत ही नहीं है गाइस हम लोग को, जब आपके पास VIP हो तो आपके पास सब है, ठीक है। टास्क तो मैंने ले लिया था, ये देखिए असिस्ट 10 प्लेयर का, ये हो चुका है। और ये सब मैं तो कंप्लीट कर ही लूँगा बाद में, ठीक है। तो अपना स्मगलिंग चेस्ट लेने चलते हैं। तो गाइस अपना स्मगलिंग चेस्ट सबसे पहले ले लेते हैं। तो 420 हुआ है, 25। तो गाइस मैं एक और मैच खेलता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर 425 हो गया तो मैं एक खोल सकता हूँ ये, ठीक है। तो मैं एक मैच खेलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इतना अच्छा किया कि टास्क ही कंप्लीट हो चुका है अपना। तो टास्क क्या था मैं पहले वो बता देता हूँ, मतलब एक सेकंड टेक ले लेते हैं, कुछ दे रहा है वो, ठीक है। टास्क नहीं, मतलब मैंने कितना किल किया, 36 किल किया मैंने 3 डेथ मैच में, और मैंने किया है वो 3 मल्टी किल, ठीक है। 3 मल्टी किल किया मैंने, तो मज़ा आ गया मतलब उस मैच में यार, इटली में मैच हुआ था वो, मज़ा आ गया मतलब। तो यहाँ पे पर्चे अपना बॉक्स खोल लेते हैं, 475 हो गया, तो एक बॉक्स तो खुल ही जाएगा अपना, देखते क्या मिलता है, कुछ अच्छा मिले। ये गन है मेरे पास यार, 6 यार ये गन है मेरे पास यार, नहीं 6 यार 6 बहुत गंदा चीज़ मिला। चलिए गाइस आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वो चीज़ का स्कोर देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आपको अभी एक स्क्रीनशॉट आया होगा आपके स्क्रीन पर एक, ठीक है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।